डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रीडिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग के बगैर आप कोई भी लैंग्वेज ना सीख सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे रीडिंग प्रैक्टिस एक कहानी के ज़रिए, जिसका नाम है ट्रस्ट। तो स्टूडेंट, ये कहानी है एक कैरेक्टर के बारे में जो कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट यानी एतबार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। ट्रस्ट इज शोइंग कॉन्फिडेंस, फेथ एंड होप। ट्रस्ट जाहिर करता है कॉन्फिडेंस, एतमाद, फेथ यकीन, एंड होप और उम्मीद इन समवन और समथिंग। यानी एतमाद, ट्रस्ट, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना हमारे अंदर एतमाद पैदा करता है, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर। देयर आर मैनी वेज टू शो ट्रस्ट। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें आप किसी के ऊपर एतबार जाहिर कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में एक करेक्टर हेलन का जिक्र हुआ है जो अपने दोस्तों के ऊपर एतबार करती हैं। हेलन ट्रस्टेड हर फ्रेंड्स। हेलन अपने दोस्तों के ऊपर एतमाद रखती है। शी डिड नाट कीप सीक्रेट्स फ्राम देम। वो अपने दोस्तों से कुछ भी चीज़ पोशीदा नहीं रखती, कोई भी बात पोशीदा नहीं रखती। शी शेयर्ड हर थिंग्स विद हर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ हर एक चीज़ अपनी जो है वो देती है, शेयर करती है। शी न्यू दे वुड डू द राइट थिंग। वो ये जानती है, शी न्यू दे वुड डू द राइट थिंग एंड नॉट बिट्रे हर ट्रस्ट। क्योंकि वो जानती है कि वो सीधा काम कर रही है, यानी अच्छा काम कर रही है। एंड डू नॉट बिट्रे हर ट्रस्ट। और उसके दोस्त इसके इस अतमाद को कभी भी तोड़ेंगे नहीं या इसको कभी भी घाटे में नहीं लाएंगे। शी ट्राइड हार्ड टू बी द काइंड ऑफ फ्रेंड। वो मेहनत करती है या उसने मेहनत की कि उसके दोस्त भी ऐसे काइंड रहें, दैट दे वुड ट्रस्ट टू, कि वो भी ऐसे किसी के ऊपर एतबार कर सकें। ट्रस्ट वर्क्स बोथ वेज। एतमाद जो है वो दोनों तरफ से काम करता है, यानी अगर आप किसी ऊपर एतबार करेंगे तो ताकि वो भी आपके ऊपर एतबार किया जाए या करे। एंड हेलन वाज ट्रस्ट वर्थी। और हेलन जो है वो बहुत ईमानदार थी, अमानतदार थी, क्योंकि वो हर एक के ऊपर एतमाद करती थी, भरोसा करती थी, जिसकी वजह से वो अमानतदार थी। ट्रस्ट वर्थी मतलब अमानतदार। नेक लेट हिज फ्रेंड्स बोरो हिज स्टफ ऑल द टाइम। नेक जो हेलन का दोस्त था वो हमेशा उससे चीज़ें उधार पे लेता। ही डिड नॉट इवन रिमेंबर हु हैड वट। वो उसने कभी भी नहीं सोचा कि उसके पास क्या है, हु हैड वट और उसके पास क्या है। वेन एवर ही नीडेड समथिंग बैक। जब भी कोई चीज़ हेलन को वापस ज़रूरत होती, He just asked all of his friends. तो वो सिर्फ अपने दोस्तों से पूछता, who had his game or a book. अगर उसकी गेम या कोई उसकी बुक किसी के पास होती तो वो जस्ट उनसे एक दफ़ा कह देता। They always gave it back. वो हमेशा उसकी उधार के लिए चीज़ उसको वापस कर देते थे। Because they liked, क्योंकि वो पसंद करते थे, हाउ नाइसली ही शेयर्ड, कि वो कितनी खूबसूरती से, अच्छे तरीके से उनके साथ वो चीज़ शेयर करते हैं। ही कुड ऑलवेज बोरो हिज फ्रेंड्स गेम एंड बुक्स टू। वो अपने दोस्तों को हमेशा देना चाहता था किताबें और गेम जो कि उसके पास हुआ करते थी। नेक ट्रस्टेड हिज फ्रेंड्स। नेक जो है वो भी अपने दोस्तों के ऊपर एतबार करता था हमेशा के लिए। ट्रस्ट
ट्रस्ट इज शोइंग कॉन्फिडेंस फेथ एंड होप इन समवन और समथिंग देयर आर मैनी वेज टू शो ट्रस्ट. हेलेन ट्रस्टेड हर फ्रेंड्स. She did not keep secrets from them. She shared her things with her friends. She knew they would do the right thing and not betray her trust. She tried hard to be the kind of friend that they could trust to. Trust works both ways, and Helen was trustworthy. Nick let his friends borrow his stuff all the time. He did not even remember who had what. Whenever he needed something back, he just asked all of his friends who had his game or a book. They always gave it back because they liked how nicely he shared. He could always borrow his friends' game and books too. Nick trusted his friends. तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.